हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शीबा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टेबल। बहुत सी मदर्स को मैंने ये बोलते सुना है कि बच्चे को टेबल याद नहीं होता, अगर टेबल लर्न हो जाता है तो वो भूल जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि बच्चों को टेबल्स तो क्लास टू में आई थिंक 20 तक टेबल है, क्लास वन में 10 तक, एंड टू में 20 तक है। टू का छोटा सा बच्चा 20 तक टेबल उसे लर्न करना है और याद रखना है, क्योंकि टेबल डॉगिंग में भी आते हैं और टेबल के थ्रू हमें मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, ये सब कुछ करना होता है। तो चलिए आज हम इस पर बात कर लेते हैं। तो आपने मान लीजिए बच्चे को टेबल लर्न करा दिया, आपने 10 तक लर्न करा दिया, फिर एक दो तीन दिन आपने छोड़ा, आपने सोचा कि चलो ठीक है बच्चे को टेबल तो लर्न हो गया है। फिर आपने किसी दिन सुना तो बच्चे ने 2-3 का सुनाया या वो भी अटक रहा है, 7-8-9 तो गायब है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप फॉरगेटिंग पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 24 आवर्स के बाद 75% फॉरगेटिंग हो जाता है। मतलब कि 24 आवर्स के बाद जो हम याद करते हैं उसके 24 घंटे के बाद हमारा जो 75% जो मटीरियल है वो हम भूल जाते हैं। बच्चा कितना? 25%। दिस इज वेरी नॉर्मल, ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई भूल जाता है। इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं कि नहीं मेरा बच्चा तो भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता, क्योंकि यही ह्यूमन नेचर है, हर इंसान भूल जाता है। वो एक्सेप्शन केस है कि एक बार याद कर लिया तो कर लिया, फिर कभी नहीं भूलते, वो बहुत बहुत कम होता है, वरना हर बच्चा भूल जाता है। 75% 24 आवर्स के बाद भूल जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? नंबर वन जो है कि फर्स्ट 24 आवर्स देयर शुड बी वन रिविजन। आपको 24 घंटे के अंदर बच्चे को एक बार रिवाइज कराना ही है। वो जो भी आप पढ़ा रहे हैं आपको रिवाइज करते रहना, मतलब कंटिन्यू आपको रिवाइज कराते रहना। आपको ये बिल्कुल सोच के नहीं बैठना कि मैंने तो ये वाला टेबल लर्न करा दिया था या मैंने चैप्टर 2 लर्न करा दिया, अब मैं एग्जाम के एक दिन पहले सुनूंगी और बच्चा सुना देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो भूल जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं टेबल पे। तो टेबल लर्न कराने के बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं। 19 का टेबल इधर से 1, 2, 3, 4 लिख दो, इधर से बैकवर्ड काउंटिंग लिख दो, 19 का बन जाता है वो। खैर मैं आपको बड़े बच्चों के लिए बाद में बताऊंगी वो सारे ट्रिक्स और टिप्स, छोटे बच्चों में ये सब काम नहीं आती। हम छोटे बच्चों को ये सिखाने के बजाय कि इधर ऐसे लिखो, इधर बैकवर्ड काउंटिंग लिख दो, 19 का बन गया, ये सब सिखाने के बजाय हमें उन्हें लर्न कराना चाहिए। शॉर्टकट पे इतने छोटे बच्चों के लिए शॉर्टकट पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक टेबल का एक चार्ट ले आइए, और बच्चे का कोई स्टडी रूम होगा, बच्चे का बेडरूम है, या अगर ऐसा नहीं भी है बच्चे का कोई स्टडी, मतलब टेबल होगा जहां पर बच्चा बैठ के पढ़ता हो, कोई प्लेस आपने बनाया होगा, वहां पर आप टेबल का चार्ट पेस्ट कर दीजिए। या एक दूसरा तरीका है बाथरूम में, जब बच्चा ब्रश कर रहा होता है, बच्चा दिन में 2 बार तो ब्रश करता ही है सुबह और रात में, आप बाथरूम में बेसिन के ऊपर या बाथरूम में अगल बगल कहीं भी जहां पे भी आपको लगता है कि पानी पड़ के वो जो मेरा चार्ट है वो खराब नहीं होगा, या आप उसको लैमिनेट करा सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप उसको लैमिनेट करा के पेस्ट कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं बाथरूम में, जहां बच्चा ज्यादा टाइम स्पेंड करता है या बच्चा जहां पर बैठ के खेलता है वहां पर बच्चे की नजर पड़ती रहेगी और आपकी भी नजर पड़ती रहेगी कि ये टंगा है, मुझे भी रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कराना है। तो टेबल को आप अपने वॉश बेसिन के ऊपर, कहीं पर और है बाथरूम के बाहर बेसिन है, या बाथरूम के अंदर, या बच्चे के स्टडी टेबल के ऊपर, या स्टडी रूम कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, ताकि आपको भी एक बार याद रहे कि अभी रिवाइज कराना है। तो इससे क्या होगा, बच्चा टेबल नहीं भूलेगा। मान लीजिए आपने 2, 3, 4 का लर्न करा दिया, 5 का लर्न कराने से पहले 2, 3, 4 सुनिए, फिर 5 का लर्न करने बोलिए, फिर जब 5 का सुनिए तो फिर 2, 3, 4 सुन लीजिए। अगर आप पूरा टेबल नहीं सुन सकती तो डॉगिंग में दे दी। डॉगिंग में मतलब 2, 3 फिर 3, 4 8 का टेबल अगर दे रहे, 8, 7 बीच बीच से आप उसको टेबल दे दीजिए। आपने अगर दिया है 3, 4 तो बच्चा 3, 4 बताने से पहले 3, 1 3, 3, 2 6, 3, 3 9, 3, 4 12 तब बच्चा पढ़ेगा 3, 4 डायरेक्ट। वो इतना छोटा सा बच्चा डायरेक्ट नहीं 3, 4 12 वो नहीं लिख देगा। तो आप ये कर सकते हैं, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और फॉरगेटिंग पे आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार गूगल करके देख लीजिएगा, 24 आवर्स में 75% भूल जाता है हर बच्चा, हर ह्यूमन बींग। तो अगर वो भूल जाता है तो डोंट गिव दिस कमेंट कि तुझे याद ही नहीं रहता, दिमाग बहुत कमजोर है, इसीलिए कहती हूँ अच्छा खाया करो। कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, हम इंसान हैं और हम भी भूल जाते हैं। तो टेबल सिखाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आप रिवाइज कराते रहिए, कहीं पर टेबल चार्ट हैंग कर लीजिए, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी ट्रिक्स हैं वो बड़े बच्चों में काम आती,
मुझे नहीं लगता 2, 3, 4 तक, ये 4, 5 तक ये सारी ट्रिक्स हमें बच्चों को सिखानी है, समझानी चाहिए, क्योंकि बच्चा लर्न करे वही अच्छा। हमें शॉर्टकट बच्चों को इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।